फाइनली यामा हैज अपग्रेडेड दी FZS विद वर्जन 4। आपको वर्जन 3 भी अभी भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे अब वर्जन 4 का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। वर्जन 4 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं और ये जो है ये 3 के मुकाबले 12,000 रुपीस महंगा होने वाला है। तो वर्जन 4 अगर मैं डीलक्स की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अपग्रेडेड फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका डिज़ाइन ही अलग है, ये फ्रंट फेशिया पुराने वाले से टोटली डिफरेंट है। सिर्फ फ्रंट की अगर बात करूँ बाकी सब सेम है। तो सब सेम है तो क्या वर्थ इट रखता है? एग्जैक्टली पहले हम फीचर्स देखते हैं। न्यू ब्राइटर LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा ट्विन DRLs के साथ। यहाँ पे आपको सेम वही मैस्कुलिन डिज़ाइन और 3D एम्बलम में जो FZS लिखा है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस ग्रे कलर के साथ। LED टेल लाइट है, आप सबको पता है पहले जैसा ही है। अब यहाँ पे आपको हेलोजन नहीं LED फ्लैशेस मतलब इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। ABS की बात करूँ तो अभी भी सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन है, इसके अंदर डुअल चैनल ABS नहीं दिया है बल्कि देना चाहिए था सेफ्टी में। न्यू LCD कॉन्सोल विद वाई कनेक्ट यामा कनेक्ट फीचर्स। ये LCD कॉन्सोल MT15 वाला है, मतलब ये भी एक काफ़ी बड़ा हाईलाइट है क्योंकि ये कॉन्सोल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इस कंपेरिजन टू तो जो छोटा सा कॉम्पैक्ट कॉन्सोल है वर्जन 3 वाला। और अगर हम बात करें वही सेम आपको 140mm का रेडियल टायर देखने को मिलेगा जो काफ़ी वाइड है जिससे इसकी स्टेबिलिटी FZ की बहुत ही अच्छी। सिटी की बात करूँ तो मैं इंजन की बात करते तो अगेन वही 149cc का इंजन आपको देखने को मिलने वाला है दैट प्रोड्यूसेस सेम 12 horsepower एट 13.3 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ऐड क्या करी है, ट्रैक्शन कंट्रोल। अब आपको वर्जन 4 के अंदर स्टैंडर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा। प्राइसिंग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वर्जन 4 की। 3 कलर्स हैं ब्लैक ग्रे रेड। 127,400 आपको प्राइस देखने को मिलेगा। वर्जन 3 का जो अब प्राइस है वो है 115,000। तो मोटा मोटा 12,000 रुपये का डिफरेंस है। देखने में ये पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी लग रही है लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्राइस क्रंच पे हैं तो आप वर्जन 3 को भी बाय कर सकते हैं। वर्जन 4 में हालांकि ट्रैक्शन कंट्रोल ठीक है, सिटी के लिए हमें इतना ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल की नीड नहीं है। और अगर हम बात करें तो एज सच कुछ अपडेट नहीं है। अगर डुअल चैनल ABS का ऑप्शन होता तो शायद मैं वर्जन 4 को वर्जन 3 के ऊपर प्रेफर करता, बट अभी भी आप वर्जन 3 को बाय कर सकते हैं क्योंकि इतने खास चेंजेस नहीं है। बस डुअल इंडिकेटर्स और फ्रंट फेशिया चेंज करा है और फ्रंट फेशिया भी मतलब अगर हम वर्जन 3 के मुकाबले देखें तो फ्रंट फेशिया में भी इतना अपीलिंग नहीं है। इट्स ओके, किसी को पर्सनली पसंद आएगा, किसी को पर्सनल पसंद नहीं आएगा। हालांकि मुझे इतना खास नहीं लगा फ्रंट। तो आप वर्जन 3 को भी अभी भी बाय कर सकते हैं और वहां पे आप 12,000 रुपीज़ को सेव कर सकते हैं और आफ्टर मार्केट आप 1,000 रुपये में LED फ्लैशेस को बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं ना। तो इसमें कोई बिग डिफरेंस नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो सिर्फ एक LCD कॉन्सोल जो आपका नया है वही जो आपको MT15 में मिलता है और आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जिसमें आप अपने 12,000 रुपीज़ को एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, बाकी सारी की सारी चीज़ें वर्जन 3 और वर्जन 4 की सेम है। हैंडलिंग में FZ शुरू से ही बहुत अच्छा रहा और यामा का जो ये जापनीज़ जो मतलब बेसिकली यामा के जो इंजन है ना इसमें रिलायबिलिटी और मैं अगर कंफर्ट की बात करूँ तो FZ को मैं नंबर 1 कहता हूँ। मतलब कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि इट्स अ एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड या लिक्विड कूल्ड नहीं है, बट स्टिल आपको इतना ज़्यादा कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं आता। तो जो जैपनीज ब्रांड्स है ना तो उनमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और अगेन ये भी अभी भी वही 5 speed gearbox के साथ आती है, 6 speed gearbox नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो मोर यूजफुल डू हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीम व्हील्स इंडिया।